हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज के लेक्चर में हम आरजीबी, सीएमवाई और एचआईएस मॉडल के बारे में बात करेंगे। सॉरी, ये एचएसआई है, एचएसआई मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कलर्स के बारे में। तो जो कलर्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स जो होते हैं वो तीन है मेनली, यहाँ पे डिजिटल इमेज में बात कर रहे हैं हम, जैसा कि तो रेड, ग्रीन और ब्लू, ये जो है ये प्राइमरी कलर्स है, आरजीबी कलर्स। और सेकेंडरी कलर क्या हो जाते हैं, जो प्राइमरी कलर को मिलाने के बाद बनते हैं वो सेकेंडरी कलर्स हो जाते हैं। जैसे यहाँ रेड और ग्रीन को मिला दिया तो येलो, रेड और ब्लू को मिला दिया तो मेजेंटा, ग्रीन और ब्लू को मिला दिया तो श्यान, और इन सारे कलर्स के कॉम्बिनेशन से ये व्हाइट कलर बन के आता है, इन सारे सेकेंडरी कलर्स के कॉम्बिनेशन से। और इसी के ऑपोजिट जो है, सेकेंडरी कलर्स के यूज से जो है हम प्राइमरी कलर्स को वापस बना सकते हैं। जैसे हम मेजेंटा और येलो को मिला के रेड कलर, मेजेंटा और शियान को मिला के ब्लू कलर, और येलो और शियान को मिला के ग्रीन कलर बन गया है। और ये सारे उसके बाद जब प्राइमरी कलर्स मिल जाते हैं तो इन सबको मिला के ब्लैक कलर बन जाता है। ये तो कलर्स के बारे में हो गया बेसिक। इसके बाद कुछ कलर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस क्या होती है, ब्राइटनेस अक्सर आपने देखा होगा आपके फोन में भी होते हैं, एडजस्ट ब्राइटनेस का ऑप्शन, ऑटोमेटिक भी होता है, डेस्कटॉप की स्क्रीन में होता है ब्राइटनेस एडजस्ट करने का, लैपटॉप स्क्रीन में भी होता है। तो ब्राइटनेस बेसिकली होता क्या है, ये होता है द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, और ब्राइटनेस जो है रिफर्स टू हाउ मच लाइट अपीयर्स टू शाइन फ्रॉम समथिंग। कोई चीज कितना रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट को, ब्राइटनेस उसी पे डिपेंड करती है। जैसे अगर एक वाटर बॉडी लेते हैं हम, समुंदर है कोई, उस वाटर बॉडी में आप देखेंगे अपर सरफेस पे जो है वो ज्यादा ब्राइटर और अपीयर होता है ज्यादा आंखों को, क्योंकि वहां पे लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है सबसे ज्यादा। और जैसे जैसे डीपर में जाएंगे वाटर बॉडी के, वहां डार्कनेस होती है, ब्राइटनेस कम होती है वहां पे। तो ये ब्राइटनेस के बारे में हो गया। और अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ह्यू। तो ह्यू क्या होता है, ह्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे आप ये कलर व्हील देख सकते हैं। इस कलर व्हील में क्या रिप्रेजेंट किया गया है, हर एक कलर फैमिली को, जैसे ये रेड कलर फैमिली है, ये ऑरेंज कलर फैमिली है, ये येलो है, लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, ये सारे कलर फैमिलीज हैं। और इनके डार्कर टू लाइटर शेड की तरफ इन सारे फैमिली में जो है कलर शेड्स बटे हुए हैं। तो ह्यू बेसिकली क्या होता है, इस सारी फैमिली का ओरिजिन जहां से हुआ है, ये आउटर मोस्ट कलर जो है ये इनका ओरिजिन पॉइंट है, मतलब ये इस कलर शेड का, इस फैमिली का सबसे प्योरेस्ट कलर फॉर्म है। तो ये जो आउटर मोस्ट वाले सारे कलर हैं ये ह्यू होते हैं। तो ह्यू जो होता है, ह्यू रिफर्स टू द ओरिजिन ऑफ द कलर वी सी। कोई कलर हम देख रहे हो तो उसका ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन कलर, वो जहां से ओरिजिनेट हुआ रहता है उसको ह्यू बोलते हैं। और इस कलर व्हील में जो है ये सारे, ये जो आउटर मोस्ट वाले कलर हैं ये सारे ह्यू कहलाएंगे, जो कि अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है। इसके बाद जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कलर का, वो होती है सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होती है, सैचुरेशन रिफर्स टू द इंटेंसिटी ऑफ कलर इन एन इमेज। ये एक इमेज में जो है कलर की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं, रेड कलर का जो है सैचुरेशन उसके लोवेस्ट टू हाईएस्ट लेवल तक का रिप्रेजेंट किया गया है। और इसमें जैसे जैसे सैचुरेशन इंक्रीज करेंगे, कलर जो है अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता जाएगा। जैसे यहाँ पे रेड अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आ गया है, और सैचुरेशन को जैसे जैसे डिक्रीज करते जाएंगे ये कलर जो है वॉश आउट, फेड होते जाएगा। तो ये बेसिकली सैचुरेशन होता है। इसके बाद हम कलर मॉडल्स की बात करते हैं, जो कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में यूज होता है। तो पहला कलर मॉडल जो है आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू कलर मॉडल, ये ज्यादातर कलर मॉनिटर्स और वीडियो कैमरा में यूज होते हैं। दूसरा जो है एचएसआई, ह्यू सैचुरेशन एंड इंटेंसिटी मॉडल, ये इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस में यूज होता है। और तीसरा जो है सीएमवाई, श्यान मैजेंटा एंड येलो मॉडल, ये कलर प्रिंटिंग में यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरजीबी कलर मॉडल के। तो आरजीबी कलर मॉडल में क्या होता है कि एन इमेज कंसिस्ट ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट इमेज प्लेन, वन इन ईच ऑफ द प्राइमरी कलर, रेड ग्रीन ब्लू। इंडिपेंडेंट प्लेन से क्या मतलब है, जैसे कि आप रियल वर्ल्ड में कोई भी इमेज देखते हैं, आपकी कोई भी फोटोग्राफ क्लिक होके आती है, तो वो इमेज जो होती है कंसिस्टेड होती है, कौन से कलर से, आर जी और बी,
कोई भी कलर जो ट्रू कलर इमेज बन के आती है वो आरजीबी कलर्स, ये इंडिविजुअल आरजीबी जो बैंड्स हैं इनके कॉम्बिनेशन से ही कोई भी ट्रू कलर इमेज बन के आती है। तो किसी भी इमेज में इनके इंडिविजुअल प्लेन्स जो है एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर इस फिगर को देखें हैं तो आरजीबी कलर मॉडल को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें ये वाली जो एक्सेस है ये ब्लू को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक्सेस रेड को, और ये जेड डायरेक्शन में जो है ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यहाँ पे अगर आप देखें रेड की रिप्रेजेंटेशन जो है 100 लिखी गई है, मतलब कि यहाँ आर जी बी मॉडल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब यहाँ आर प्रेजेंट है और 00 का मतलब जी और बी, ग्रीन और ब्लू प्रेजेंट नहीं है। सेम अगर ग्रीन के लिए देखेंगे तो आर जी ग्रीन पे 1 है और आर और बी जो है 0 है, मतलब ग्रीन अवेलेबल है यहाँ पे और रेड और ब्लू अवेलेबल नहीं है। सेम ब्लू में अगर देखेंगे तो रेड और ग्रीन अवेलेबल नहीं है, 0 है वैल्यूज इसके लिए, और ब्लू जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये आरजीबी कलर मॉडल को एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया गया है। और इनका जो ये ग्रे स्केल स्पेक्ट्रम है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि व्हाइट टू ब्लैक जो मीट हो रहा है ये यहाँ पे, इसके बीच में जो है ग्रे स्केल फॉर्म होता है। तो दोज कलर्स मेड फ्रॉम इक्वल अमाउंट ऑफ ईच प्राइमरी कलर लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द ब्लैक एंड व्हाइट वर्टिसेस, जैसा अभी मैंने दिखाया कि ये जहाँ पे ये ब्लैक और व्हाइट लाइन जो है मीट होती है, इसी लाइन पे जो है ग्रे स्केल अवेलेबल होता है। और आप इस ब्लॉक में जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर है और ये ग्रीन कलर है, और इनके कॉम्बिनेशन से जो है यहाँ येलो कलर का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसा कि हमने वो कलर व्हील में भी देखा था कैसे प्राइमरी कलर से सेकेंडरी कलर मीट हो रहा है। और यहाँ ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन से मैजेंटा का फॉर्मेशन, और यहाँ ब्लू और ग्रीन के फॉर्मेशन से कॉम्बिनेशन से शियान का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये बीच में जो है यहाँ पे ये ग्रे स्केल वाली जो वैल्यूज है वो एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद अगर आरजीबी मॉडल की बात करें तो ये रेड ग्रीन ब्लू ये सारे इंडिविजुअल बैंड्स हैं, इंडिविजुअल इमेज प्लेन है। तो हर एक इंडिविजुअल प्लेन में रेड के लिए, जैसे ये रेड के लिए इंडिविजुअल प्लेन है, ये ग्रीन के लिए, ये ब्लू के लिए, इस हर एक इंडिविजुअल प्लेन के हर एक पिक्सल में जो है वैल्यूज जो है 0 to 255 के बीच में रेंज करेंगी। और जैसा कि आप इमेज में नोटिस कर रहे होंगे वैल्यूज जहाँ पे जितनी लोअर वैल्यूज है वो डार्कर साइड की तरफ मूव कर रही है, और जो भी हायर वैल्यूज है वो लाइटर शेड की तरफ मूव कर रही है। सेम ग्रीन के लिए भी देखेंगे अगर 43 यहाँ पे लोअर वैल्यू है तो ये डार्कर पिक्सल है, 208 जो है ये हायर वैल्यू है ये लाइटर पिक्सल है। तो इंटेंसिटी जैसे जैसे पिक्सल की इंक्रीज हो रही है ब्राइटनेस इंक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी लो हो रही है तो ब्राइटनेस डिक्रीज हो रही है। सेम केस ब्लू में भी 78 पे ये डार्कर पिक्सल है थोड़ा, और 172 पे लाइटर पिक्सल्स है। तो हर एक इंडिविजुअल इमेज प्लेन में जो है उसके हर एक पिक्सल में वैल्यूज जो है 0 to 255 के बीच में रेंज करती है। और जब ये तीनों प्लेन्स एक साथ में कंबाइनली मिल जाते हैं रेड ग्रीन ब्लू, तब एक जो है ट्रू कलर इमेज का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप यहाँ पे इस टेबल में भी देख रहे होंगे ये रेड कलर है, प्योर कलर है, अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है। तो बस यहाँ पे रेड की रिप्रेजेंटेशन है, जी और बी ग्रीन और ब्लू यहाँ पे अवेलेबल नहीं, ऑरेंज कलर है तो यहाँ पे रेड का कुछ पोर्शन है, ग्रीन का कुछ पोर्शन है, ब्लू अवेलेबल नहीं है। तो अपने प्राइमरी कलर्स को छोड़ के यहाँ पे जितने भी सेकेंडरी कलर्स का फॉर्मेशन हुआ है इन सब में कुछ ना कुछ पार्ट है आरजीबी का अवेलेबल है, जिसको कि यहाँ इस टेबल में रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद जैसा कि आप यहाँ इस इमेज में देख सकते होंगे ये एक कलर्ड इमेज है, ट्रू कलर्ड इमेज है, जिसमें हर एक कलर का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो है आर जी और बी इन तीनों इमेज प्लेन के कॉम्बिनेशन से एक ट्रू कलर बन के आई है, इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी है जो कि इन सारे कलर्स के बारे में और कलर मॉडल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, जो कि पिक्सल डेप्थ। तो पिक्सल डेप्थ क्या होती है कि द टोटल नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ईच पिक्सल इन आरजीबी इमेज इज कॉल्ड पिक्सल डेप्थ। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसा एक आरजीबी इमेज है उसमें आपको रेड बैंड मिल गई, ग्रीन बैंड मिल गई और ब्लू बैंड मिल गई, ये आर जी बी। और इसमें क्या होता है इसकी हर एक पिक्सल जो है रेड में भी पिक्सल्स होंगे, ग्रीन में भी और ब्लू में भी। रेड के पिक्सल्स भी 8 बिट के हैं, ग्रीन के पिक्सल्स भी 8 बिट के हैं और ब्लू के पिक्सल्स भी 8 बिट के हैं, क्योंकि अभी हमने जैसा बात किया था कि हर एक इंडिविजुअल प्लेन के इंडिविजुअल पिक्सल्स में जो है 0 to 255 की वैल्यू
रेंज करेगी। तो इसका मतलब ये 8 बिट के पिक्सल्स हैं, ठीक। तो अब ये पिक्सल डेप्थ क्या हो जाती है कि जब इन तीनों इमेज प्लेन्स को मिला के एक कलर्ड इमेज का फॉर्मेशन हुआ, तो उसकी जो पिक्सल डेप्थ होगी वो इन तीनों के सम के बराबर होगी। तीनों में 8 8 बिट है, मतलब इज इक्वल टू 24 बिट एक ट्रू कलर इमेज जो है उसकी पिक्सल डेप्थ, उसके एक पिक्सल की पिक्सल डेप्थ होगी, ठीक है। तो ये पिक्सल डेप्थ होता है। इसके बाद ये हमने बात कर दी आरजीबी कलर मॉडल के बारे में, क्या होता है, उसमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड है। इसके बाद जो अगला मॉडल है वो है CMY मॉडल, शियान मैजेंटा एंड येलो मॉडल। तो जैसा कि अभी हमने बात की थी कि सारे प्राइमरी कलर्स को मिला के सेकेंडरी कलर्स का फॉर्मेशन होता है, और इसी के ऑपोजिट CMY मॉडल में क्या होता है, मैजेंटा, येलो और शियान एज अ प्राइमरी कलर रोल करते हैं यहाँ पे, और इनके कॉम्बिनेशन से जो है रेड, ग्रीन और ब्लू का फॉर्मेशन होता है। तो अगर किसी आरजीबी इमेज को CMY में कन्वर्ट करना है या CMY को आरजीबी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ये जो है फॉर्मूला रिप्रेजेंटेड है। जैसे कि CMY से आरजीबी में कन्वर्जन करना है तो आपको C-1, M-1 और Y-1 करेंगे तो ये आरजीबी कलर निकल के आ जाएंगे, और इसी के ऑपोजिट अगर आपको आरजीबी से CMY करना है तो सेम 1 के साथ माइनस करेंगे। अब इसका एक सॉल्व एग्जांपल देखते हैं तब आप सबको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे एक आरजीबी पिक्सल वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है, रेड के लिए 98, ग्रीन के लिए 35 और ब्लू के लिए 146। इसका कन्वर्जन करना है CMY में, तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है नॉर्मलाइज कर लेना इन पिक्सल्स को, क्योंकि ये पिक्सल्स तो 0 टू 255 रेंज कर रही है। इसको जब नॉर्मलाइज करेंगे तो वो वैल्यूज जो है 0 टू 1 के बीच में रेंज करेंगी, ठीक है। नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, ये जो पिक्सल वैल्यू 98 रेड के लिए, तो आर डैश जो है 98 डिवाइडेड बाई 255 इज इक्वल टू 0.384 आएगा। जी डैश के लिए सेम 35 को 255 से डिवाइड करेंगे तो 0.137। ब्लू को नॉर्मलाइज करेंगे तो ब्लू डैश जो है 146 डिवाइडेड बाई 255 0.572। अब हमारे पास ये नॉर्मलाइज वैल्यू आ गई है। अब इसमें जो हमारा फॉर्मूला था कन्वर्जन का उसको अप्लाई करेंगे, तो CMY इज इक्वल टू क्या था, 1 माइनस C में R आ जाएगा, 1 माइनस R वाली वैल्यू, M के लिए 1 माइनस ग्रीन वाली वैल्यू और Y के लिए 1 माइनस येलो वाली वैल्यू। ये तीनों हमने निकाल ली थी और इसको यहाँ पे पुट करके ये हमें जो है CMY में इन पिक्सल वैल्यूज का कन्वर्जन हो गया, यहाँ पे उनकी वैल्यूज मिल गई है। तो ये तो था RGB टू CMY कन्वर्जन। इसके बाद अगला जो मॉडल है वो है HSI कलर मॉडल, जो कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है, जिसमें HSI का जो फुल फॉर्म है वो है ह्यू, सैचुरेशन एंड इंटेंसिटी। तो ये तीनों टर्म्स का मतलब क्या होता है, ह्यू के बारे में हमने बात की थी कि ये जैसा कि इस इमेज को देखते हैं ये कॉनिकल फॉर्म में, ये एक HSI मॉडल को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक साथ में ह्यू, सैचुरेशन और इंटेंसिटी तीनों की रिप्रेजेंटेशन की गई है। ये सबसे टॉप वाले सरफेस को अगर देखें, यहाँ पे सेंटर से लेके यहाँ पे ये 0 डिग्री है, और इसके आउटर मोस्ट वाले सर्कल को देखें हम तो ये एक पूरा 360 डिग्री कम्प्लीट करेगा। और ह्यू क्या होता है, ह्यू में हमने बात की थी ये जो सबसे आउटर मोस्ट वाले ही होता है, ये प्योरेस्ट कलर जो है यही ह्यू होता है। तो इसीलिए जो है ह्यू डिस्क्राइब्स द कलर इन द फॉर्म ऑफ एन एंगल बिटवीन 0 to 360 डिग्री, तो ये ह्यू को रिप्रेजेंट करता है। और सैचुरेशन क्या होती है, डिस्क्राइब्स हाउ मच द कलर इज डाइल्यूटेड विथ व्हाइट लाइट। ये सैचुरेशन इस डायरेक्शन में, सैचुरेशन में अभी हमने क्या बात की थी, जैसे जैसे इसमें सेंटर से ये बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं ये अपने सैचुरेशन इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे ये अपने कलर जो है प्योरेस्ट फॉर्म में आता जाता है, और डिक्रीज करने पे ये कलर फेड आउट होते जाता है। तो इसमें यही है कि सैचुरेशन के हर एक लेवल पे ये व्हाइट लाइट के साथ कितना डाइल्यूट हो रही है उसकी रिप्रेजेंटेशन है। और सैचुरेशन जो है वो 0 to 1 के बीच में वेरी करती है। 0 मतलब यहाँ हम सैचुरेशन के डिक्रीज लेवल पे, और 1 मतलब सैचुरेशन इंक्रीज लेवल पे। तीसरा जो है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है, रेंज इज बिटवीन 0 to 1 एंड 0 मीन्स ब्लैक एंड 1 मीन्स व्हाइट। जैसे यहाँ ये इंटेंसिटी, यहाँ 0 टू 255 दिखाया गया है, पर इसको जब हम नॉर्मलाइज फॉर्म में लाते हैं तो ये 0 to 1 के बीच में रेंज करती है, जिसमें 0 जो है ये डार्कर साइड को रिप्रेजेंट, ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है, और 1 व्हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये HSI मॉडल के बारे में थोड़ा डिटेल में इसकी डेफिनेशन थी। इसके बाद में अगर किसी आरजीबी इमेज को जो है कलर HSI कलर मॉडल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कौन से फॉर्मूला है और कैसे इस पे काम होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि
किसी आरजीबी इमेज को एचएसआई में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो वही है आरजीबी की को 0 to 1 के रेंज में लाना है, नॉर्मलाइजेशन करना है वैल्यूज का जिसके बारे में अभी हमने देखा था। उसके बाद एचएसआई के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। एचएसआई के कंपोनेंट्स क्या क्या है? ह्यू, सैचुरेशन और इंटेंसिटी। जहाँ पे ह्यू में जो है थीटा है और 360 माइनस थीटा है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी गई है कॉस इनवर्स और उसके बाद आगे आरजीबी के कुछ वैल्यूज इस फॉर्मूले में यूज हुई हैं, जिसमें अगर ह्यू जो है अगर ब्लू आपका लेस देन इक्वल टू ग्रीन है तो थीटा की वैल्यू यूज करनी है, अगर ब्लू ग्रेटर देन ग्रीन है तो 360 माइनस थीटा। तो ऐसे करके आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ह्यू की वैल्यू मिल जाएगी जिससे थीटा की हेल्प से। उसके बाद सैचुरेशन है। सैचुरेशन में जो है 1 - 3/R + G + B और मिनिमम ऑफ आरजीबी। आरजीबी की वैल्यू जैसे आपके पास तीन वैल्यूज कोई मिल गई है, 1, 2, 3 मान लेते हैं सपोज, तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी जैसे मिनिमम 1 है आर की वैल्यू, यहाँ पे वो मिनिमम वैल्यू आएगी। उसके बाद आप सैचुरेशन फाइंड कर लेंगे इससे। तीसरा जो अपना कंपोनेंट है वो है इंटेंसिटी, जो कि 1/3 × R + G + B। तो सेम फॉर्मूले में आप वैल्यूज जो है पुट करके इंटेंसिटी को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। पर नोट, एक चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि इन सारी आरजीबी वैल्यूज को यूज करने से पहले नॉर्मलाइज कर लेना है। जैसे अगर आपको वैल्यूज 0 to 255 के रेंज में मिलेंगी, 25 मिल गई, 35 मिल गई, 100 मिल गई, इन सारी वैल्यूज को नॉर्मलाइज करना, उसके बाद इन सारे फॉर्मूले में यूज करना है, उसके बाद आपको जो है एचएसआई की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आज के लेक्चर में ये तीन मॉडल्स के बारे में हमने बात की है, आरजीबी, सीएमवाई और एचएसआई मॉडल के बारे में। तो आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा तीनों मॉडल्स के बारे में। अगर आप सबको ये लेक्चर पसंद आया तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।